गति प्राप्त होंगी भाव उच्ची आत्मक अवस्था किवें असीं आउंदे हां साध संगत विच महाराज सच्चे पातशाह की कृपा वड्डे भाग ने पर साध संगत विच कदों आत्मक अवस्था उच्ची होंदी है जदों मन बाणी नाल जुड़दा है बाणी गुरु की बाणी सानू साढ़े अपने आप का भी ज्ञान कराउंदी है मैं कित्थे खड़ा ये जरूरी है ये बहुत जरूरी है मैनू खिमा करना कीर्तन कथा पाठ सेवा सारा कुछ ठीक है जरूरी है पर स्वै पड़चोल तो बगैर तरक्की नहीं अपने आप की पड़चोल जरूरी है महाराज सच्चे पातशाह ने कहा प्रथम है मन प्रबुद्ध है अपना पातशाह अवर रिझावै मन तो रोज़ पढ़ता जत पाहारा पढ़ो सारे जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल कदे अमृत ढलदा कदे अमृत ढलदा महसूस होया इहदी शुरुआत हुंदी है इहदी शुरुआत हुंदी है जिवें साडी सेहत बनन वास्ते साडी सेहत लई जरूरी है सानू सही खुराक मिले सही खुराक दे नाल फिर सही तरीके नाल साडी बॉडी एक्ट करे असी कसरत करिए असी सारा कुछ करिए जे कल्ले खाई गए तो फिर एक समा वो भी आ जाना फिट वेहा जीव्या जित खाए वधाया पेट गुरु की बाणी जदों बोल के पढ़ी जाती है कन्ना द्वारा सुरत करके सुनी जाती है ये भोजन अंदर जाता है ये भोजन सानू पच जाए इस वास्ते सतगुरां ने गुरमत रहनी बहनी बख्शी है वो एक्सरसाइज साड़ी गुरमत रहनी बहनी दी ये भोजन नू पचाउण वास्ते सानू बल दिंदी है ये शुरुआत कित्थों हुंदी है मिलत प्यारो ये शुरुआत हुंदी साध संगत विच्चों आपां सारे नित सुणदे हां विच संगत हर प्रभ बोले एक वारी फिर विच संगत हर प्रभ वसै जियो वो मिलता किदा बापू जी कहिंदे ने तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने साहिब मेरा सदा है साहिब मेरा सदा है दिसै शब्द कमाए कहिंदे आ ना प्रगट गुरां किदे दिसै शब्द कमाए आओ शब्द है साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी ये हुण सधारण रीत आपां पढ़न लगे हाँ सब नूं बेनती है पहली वारी इत्थे तुहाडे दर्शन हो रहे ने साध संगत दे गुरु के ये सब नूं बेनती है सारिआं ने रल के कीर्तन करना दस सवा लख फौजी आई है ये सारे बेअंत लख नाल रल गए ने ते तुसीं भी रल जाणा नाल एक पंक्ति आपां पढ़न लगे हैं तुसीं सारे पढ़े हो गज के आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी ये सारिआं वास्ते आ कल्ले रागियों वास्ते नहीं सारिआं वास्ते ते आओ फिर गुरु का ये बचन मनिए सब नूं बेनती है मन बिरतियां एकाग्र करके साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी
संग जो तुम है मिलायो तो सुनी सुनी तुम्हारी वाणी सुनी तुम्हारी वाणी साथ संग जो तुम है मिला।
Yeah.
प्यारियो, कई बारी छोटिया छोटिया कोई इतिहासक घटनावां सानू बड़ी वड्डी सेध दिंदियां ने। असीं आम तौर ते संगत विच कई बारी बड़े लिमिटेड जे समय वास्ते आउंदे आ, भई असीं बस इन्ना ही बैठना, असी इन्ना ही समा लाउणा, पर आ तुरे तुरे जांदे जिहड़े जा रहे ने ना माई भाई, तुरे तुरे जांदे सुन लिओ, उत्थे जोड़े खाने सुन लिओ। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के शब्द ने सानू अज सेध दिती है, ते ए सानू महाराज ने टॉप के दिता है मिलाप दा, ते उहदे लई सानू थां दस्सिया साध संगत। धन गुरु तेग बहादुर साहब जगत जलंधे नूं तारन वास्ते प्रचार फेरी कर रहे ने, ते एक पिंड है खीवा कलां मालवे वाले पासे, उत्थे सतगुरु गए, रोज़ संगत जुड़ती है, बहुत संगत आउंदी है, पर एक व्यक्ति है वो कई बारी सारी संगत दे चले जाने तो बाद भी बैठा रहिंदा है। उहदा नां इतिहास ने तवारीख गुरु खालसा ने उहदा नां सिंघा दस्या, सिंघा इदां दे नां सी छोटे छोटे पुराने। वो सिंघा रोज़ बहिंदा है पर अज उठ के छेती चलिया, अजे संगत दे कई प्राणी बैठे ने उठ के चलिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज मौज आई, देखो सिक्ख्या सानू देनी है, उन्होंने पता तो सारा सी। महाराज कहिंदे सिंघा छेती क्यों चलिया, आ सुनियो। कहिंदा जी साडे पिंड च किसे दे कुड़माई होनी, कुड़माई ते उत्थे मठियाई वंडी जानी आ, साडे पिंड दा रवाज है कि जेड़ा जावे उन्हूं मठियाई मिलदी है, जेड़ा ना जावे उन्हूं नहीं मिलदी। महाराज कहिंदे बैठे रहो। अंदर सोचदा, अंदर प्रगट हो गया, असीं कई वारी अंदर सोचते रहिंदे महाराज ते सामने प्रगट नहीं करते, पर उन्हूं तो पता है सच्चे पातशाह जिन्हूं पता है। वो प्रगट हो गया, कहिंदा जे मैं ना गया तो मेरी मठियाई रह जानी है। सतगुरु कहिंदे बैठा रहो, ना जाई, महाराज मठियाई नहीं मिलनी। सतगुरु कहिंदे जे तू बैठा रहेगा तेरे घर डबल वरतारा पहुँचेगा, डबल वरतारा। बैठा रहा उत्थे, जदों मठियाई वंडी गई ते हौली हौली परिवार जिहड़ा सी उहने पुछिया भी किहड़ा रह गया, कहिंदे भी सिंघा रह गया, वह नहीं आया। पुछिया कित्थे आ, जिहड़े संगत विचों उठ के गए सी ना, उठ के गए सी, वह कहिंदे जी वह तो बैठा रहा, गुरु साहब ने बिठा लिया, वह उठिया ही नहीं, वह बैठा रहा। कहिंदे अच्छा इन्ना चंगा बंदा बन गया, उहदे घर दोहरी मठियाई भेजो, उहदे घर दोहरा वरतारा भेजो, रवाज बन गया किसे दे घर भी कुड़माई होनी, सिंगे दे घर डबल गफा मठियाई दा होना। सत्संग जी वह एक इतिहास की गल है सानू समझाउण वास्ते, जिहड़ा गुरु का बचन मन के बैठा रहे, जिहड़ा गुरु का बचन मन के बैठा रहे, इत्थे बैठना भी गुरु की चाकरी है, सतगुरु की हजूरी विच है, एक मन एक चित हो के बहना, ये तो सच्चे पातशाह महाराज दे मुठ्ठी चापी करन दे बराबर आ। पर जे भला मन थोड़ा भी लगा, नहीं भी लगा, फिर भी मन नूं कहा जाए, शरीर नूं कहा जाए
तुम उते हाजरियां भर, तू तो बैठा रहो। ये भी चाकरी है, तुसी घर चाकर रखे होंगे, फैक्ट्रिया चाकर रखे होंगे, तुसी होर बिजनेस से चाकर रखे होंगे, उन्हों का मन नाम ही लगे चाकरी तुहाड़ी करदे आ ना। वो भावें दुखी हो के ड्यूटी पूरी करके जान, तुसी तनखा उन्होंने पूरी देंदे हो। इधर बापू जी कहंदे ने चाकर लगे चाकरी जे चल खसम पाए, हुरमत तिसनू अगली ओ वजों पे दूना खाए। वो सिंघा नू सिर्फ मठियाई का एक वो तो बहाना सी भी मठियाई का उन्हू डबल वर्तारा आना इत्थे अंदर डबल की इत्थे पता नहीं किन्ने गुणा मिठास अंदर भर जाती है। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम। तो प्यारे आओ एक शब्द होर पढ़ लीए। समा तो मैनू लगता पौने के दो तक सी, पर हुक्म आ गया भी दो बजे तक। चलो जिवें सच्चे पातशाह नू पाया, एक शब्द होर पढ़िए फिर आप जी नू बेनती करांगे। असी जिन्ने बैठे आ ना हुण, चाहे किसी नू कम होवे ते चाहे किसी नू ना होवे, एक बेनती आ आपां एक जिहड़ा क्वेश्चन आपां नू आउंदा ना अपने ते आउंदा वी असी गुरु साहब दे दर्शन किद्दां करांगे, असी गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन किद्दां करने, प्यो ने साडे। इस क्वेश्चन का जवाब गुरु साहब ने जिहड़ा दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने, वह आपां इस शब्द तो बाद विचारना। तो आओ हुण शब्द है, वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई। साध संगत की प्राप्ति हो जाए, जिन्हों साध संगत की प्राप्ति होगी वड्डियां भागां वाला हो गया, तो साध संगत दे नाल मिल के गुरु दे चरणी लगा रहे खोटी मत नास हो जाती है। आओ जी। साध संग वडभागी साध संग प्राप्त वडभागी साध संग प्राप्त साध संग साध संग वडभागी साध संग मत खोई।
को बरतन गुण वैगुरु गुण निधान भगतन को बरतन गुण साध संग परापत बट भागी वाहिगुरु मेरे मन मेरे शरण पया सुख पाया जाकी शरण पया सुख पाया जाकी बाहर दुख ना हो Oh,
दुख दुर्बत खोई, तिन की धूल नानक दास जोग जोग
दुर्मत खोई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अजय गोबिंद राय के रूप में ने तकरीबन पांच सवा पांच साल पटने साहब बिताने विच उत्थे लगे ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की आग्ञा मुताबक आनंदपुर साहब नूं चाले पाउण लगे ने। जिहड़ा बचन दर्शन दान महाराज के दर्शन किदां हुंदे ने अज भी हो सकते ने। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन अज भी कर सकते हो, अज भी, क्योंकि कित गए नहीं। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए। साहब जी पटने साहब तो आनंदपुर साहब आने लगे ने वापस। सब तो पहलों आप जी की माता अगे होई, कहिंदी लाल जी रोज़ दर्शन करदी आ, मन नूं शांति आउंदी है, चले जाओगे दर्शन किदां होणगे। ये माता जी, ये माता गुजरी कौर नहीं, ये माता बिसंबरा जिन्हों राणी मैणी कहिंदे आ। मैणी और राजे की गोत सी। कहिंदी दर्शन किदां होणगे। सतगुरु कहिंदे माता जी जिवें रोज़ तुसी छोले पूरियां दा पदार्थां दा लंगर तैयार करके बालकां नूं छकाउंदे हो, असी विच बैठ के छकदे हां। माता जी भावना नाल लंगर तैयार करके जदों छकाया करोगे ते संगत विच पंगत विच बैठे होए लंगर छकदे असीं तुहानूं दर्शन दिया करांगे। मत समझिए आ मैं उहदे अगे थाली रख के आया, मैं उहनूं प्रशादा दे के आया, मैं उहनूं दाल दे के आया, नहीं। जिदण इह मन च आ गई ना मेरा बापू बैठा है, कोई फर्क नहीं पैंदा मर्द जामां कि इस्त्री जामां, मेरा बापू बैठा है, मैं अपने बापू नूं छकाउणा है। ते एक दिन वह भी आ सकदा, कलगीधर जी का बचन अज भी है, पंगत विच्चों संगत दी पंगत विच्चों गुरु दे दर्शन हुंदे ने। बोलो जी, फिर बोलो जी। मां नूं असीस दे दित्ती, मां नूं इह वर दे दित्ता। हुण कईआं ने कहना मां नूं बच्चा असीस दे सकदा, वह बच्चे तां मावां दे
कई मावां दे साहब ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। उस तो बाद दो भरा जिन्हों का जन्म मुसलमानी घर का, नवाब रहीम बख्श ते करीम बख्श, इन्हों के बाग में सतगुरां ने चरण पाए सी ते इन्हों का सुक्का बाग हरिया होया सी। इन्होंने सतगुरु नूं भेट कर दिता, कहिंदे महाराज रोज़ तुहाडे दर्शन पहलों करदे आ ते फिर असी कोई जल पानी अन्न पानी छकदे आ, हुण तुसी चले जाणा ते हुण दर्शन किद्दां करिया करांगे। आ सुणियो, कलगीधर जी महाराज गोबिंद राय जी कहिंदे, नवाब जी अमृत वेले उठ के इशनान पान करके एक मन एक चित हो के जपजी साहब का पाठ करिया करो, जपजी साहब के पाठ चो असी दर्शन दिया करांगे। सानू कई सठ सठ साल हो गए होने जपजी साहब पढ़ते हैं, जे मान लो अज ही सुने तो अज तो ही भावना बने जपजी साहब पढ़ते हैं। कलगीधर जी तुहाडा बचन ते सदा ही रहना, देव दर्शन ते प्रतख गुरु ने सतारे जरूर दर्शन हो जाएंगे। उंज ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर दा रूप ने, पर जे रीझ आ जाए मन च वी जिदा तुसी आनंदपुर साहब बहिंदे सी, जिदा तुसी उदों घोड़े ते सवार होके जांदे सी, जिदा तुसी उदों प्यार करदे सी संगतां नूं, कितें उदां दा झलकारा बख्श दिओ ते हो जांदा, जे ये कृपा हो जांदी। उस तों बाद फिर सतसंग जी पंडित शिवदत्त जी, हुण देखो महाराज की मौज, कितें मुसलमानी घर का जन्म किसी का तो उन्हूं दर्शन की बख्शिश, कितें ब्राह्मणी घर का जन्म। पंडित शिवदत्त कहिंदा, महाराज तुसी कृपा की मैनू मूर्ति पूजा वालों हटा के, सतगुरां ने उन्हूं मूर्ति पूजा वालों हटाया सी, एक परमेशर की पूजा नाम विच लाया। कहिंदा महाराज मेरा भी नियम तुसी कृपा करके बख्शिया, तुहाडे दर्शन करा फिर मैं कोई जल पानी छकदा, तुसी जाना हुण किदां किदां कृपा होएगी। सतगुरु कहिंदे, पंडित जी जदों अमृत वेले सुरत जोड़ के परमेश्वर दा वाहिगुरु दा हरी दा नाम जपया करोगे ते हरी दे नाम विच्चों साडे दर्शन होया करनगे। बोलो जी, ये मेरी गल नहीं, ये केवल इतिहास की गल नहीं, मेरे बापू जी कहिंदे ने हर सिमरन में है आप निरंकारा निरंकारा। उन्हें एक होर दात मंगी, बजुर्ग ने पंडित शिवदत्त जी बजुर्ग ने, जदों कलगीधर जी वापस आने लगे उधरों बजुर्ग ने, कहिंदे महाराज मैं एक होर आप जी कोलों दात मंगनी है। महाराज कहिंदे दसो, कहिंदे सच्चे पातशाह जदों मेरा अंतम समा आवे, आ सुनो जिन्हों का प्यार है ना जी, जिन्हों का प्यार है, बाणी कहिंदी है जैसी उपजीत पेट ते जो तैसी निभे ओढ़, हीरा किसका वापरा पुजना रतन करोड़। और जिदा दी गुरु दे चरणा विच शीस नवा के प्रीत अंदर आ गई, जे अंतम श्वासा तक उदा दी निभ जाए ते उहदे बराबर किसे होर रतन जवेहर की कीमत नहीं हो सकती, करोड़ा रतन नहीं उस जिंदड़ी का मुकाबला कर सकते। कहिंदा महाराज तुसी बड़ी बख्शिश की, परमेश्वर दे नाम नाल जोड़िया सोझी बख्शी, मेरा जी करदा जदों मेरा अंतम समा आवे, आ सुनियो जिन्हां दी प्यार दी भावना, जदों मेरा अंतम समा आवे ते कलगीधर जी मेरा सिर तुहाडी गोदी च होना चाहीदा। अगला बचन करन तो पहलों आप जी नूं बेनती कर देवां, ये गल बिल्कुल सच होई, अटल होई। राजा रतन राय जिन्हां समयां च आया कलगीधर पातशाह महाराज दे कोल, उन्हां समयां च ये पंडित जी भी आए संगत दे नाल, संगत दे नाल संगत विच आए बैठे ने,
कुछ दिन लंघे बैठे ने कलगीधर जी ने इशारा किया पंडित जी आओ। वह सोझीवान सी नाम जपण वाला सी, पता सी सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ने कलगीधर जी ने बजुर्ग बजुर्ग पंडित शिवदत्त जी का सिर अपने दोनों हाथों च लै लिया, अपनी गोदी च रखिया। पंडित जी दे सवास पूरे हो गए। आहा महाराज कहिंदे आ कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तां हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। एडी दात दर्शन भी लै ले ते दर्शनों में अपना आप लीन भी कर लिया। फिर सारी संगत कहती महाराज ये तो खास खास प्रेमी सीगे, इन्हों तो तुसी वर देते, असी सारे बेनती करते हैं महाराज असी भी तो तुहाडे दर्शन करते हैं, रोज़ तुहाडे दर्शन करते हैं, सानू किदां दर्शन होणगे। ते कलगीधर जी ने जो बचन किया, साध संगत जी सारे बचन पल्ले बनन वाले हैं, मैं ये नहीं कहता तुहाडे मेरे भी पल्ले बनन वाले हैं। कलगीधर जी ने कहा जेड़ा सारी समुची संगत नूं कहा जेड़ा अमृत वेले आण के संगत विच इतिहास में लिखिया नाल उत्थे क्या मंदिर अज भी पटना साहब न श्री हरिमंदर जी पटना साहब कहा जाता। एक तो हरिमंदर साहब आप गुरु रामदास महाराज जी का अस्थान जिहड़ा उन्हों कहने ते हरिमंदर जी पटना साहब महाराज कहिंदे जिहड़ा अमृत वेले आ के संगत विच मंदिर विच आसा की वार दे कीर्तन नाल एक मन एक चित हो के जुड़ेगा, कीर्तन सुनेगा कीर्तन गाएगा, उन्हू असी पंगूड़ा झूटते हुए दर्शन देंगे। किड्डी वड्डी दात है। आसा दी वार ते करदे सानू भी किन्ने साल हो गए। गुरु साहब कृपा करन ये सानू भी दातां प्राप्त होण। ते गुरु प्यारिओ ये महाराज सच्चे पातशाह ने जो इतिहास में कहा जो गुरबाणी च कहा वो सानू सारिआं नू अपने बच्चे जाण के ते बच्चिआं दे नाल फिर अपने गुर भाई जाण के ते जिहड़ा रहत बहत विच पूरा उन्हू इत्थों तक भी कह दिता खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। ते आओ सच्चे पातशाह ने जो असीस बख्शी है ना सानू वह असीस आप पढ़ीए। अज भचंगी सिंह का जन्मदिन ही मैनू ना भुल गया, भचंगी का जीवन सिंह वाहेगुरु महाराज कृपा करन जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग ये जीवन है। ते आओ ये शब्द कोई तकरीबन 5 मिनट बाकी ने ये आप पढ़ लीए फिर आप शब्द कीर्तन की समाप्ति करांगे। आओ जी पुता माता की आसीस, पुता माता की आसीस, पुता जाता अंत न पारो
अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अर्ध अनंता। वाहिगुरु रंग तमाशा पूरन आसा कभी न व्यापै चिंता। संग लपटायो जो मूंद है चात्रिक मौला। गुरु प्यारियो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट कोटान कोट शुकराना। आप गुरु रूप हो के गुरु रूप होने लई संगत विच आके जुड़ बैठे हो, आप सबना का कोटान कोट शुकराना। इतों की सारी प्रबंधक कमेटी जिन्होंने बड़े प्यार नाल इस समां नियत किया, सारी समुची कमेटी का तय दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े सत्कारयोग वड्डे वीर भाई अमरजीत सिंह जी रेखी, होर गुरु के प्यारे जिहड़े मेरे नाल बह के करवा रहे ने, कीर्तन भगत जोत सिंह जी, इधर ददार सिंह जी, इधर भचंगी का मैनू ना ही भुल गया, मुझे तबला बहुत सोहना वजाया ने बड़े प्यार नाल ने ना। एकम सिंह, एकम सिंह ने एकम नाल एक होने वास्ते सानू सहयोग दिता। महाराज कृपा करन सारिया ते दया दृष्टि होवे। होर भी सारे ये गुरमुख प्यारे इन्होंने भी ये दस्तार भी इदा ही सजा के आए, हाँ जी जथा ही बन गया जगजीत सिंह जी। सो गुरु साहब कृपा करन सारिया ते कृपा रखन। ते पहली बारी इत्थे संगत दे दर्शन होए आ, ते गुरु प्यारियो बचन बिलास करदे आ, बाणी पढ़दे आ, बेअंत प्रकार दियां भुलां हो जांदियां ने, खिमा बख्शनी। फिर समुचे तौर पर सतगुरु जी का, आप समूह संगतां का, कमेटी का, सारे गुरमुख प्यारे प्यारियां का धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।